हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे हो। तो पिछली वीडियो में मैंने एक दुबई की वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो को आप देखोगे तो दुबई के बारे में ओवरऑल एक आपको थीम नज़र आएगी कि दुबई कैसे बनी, क्या क्या इसमें है, कुछ है जो भी है उन बातों को छोड़िए, ये तो दुबई की हिस्ट्री है। और मैं बात कर रहा हूँ अभी की कि दुबई अभी किस पोजीशन पे है, कैसा है, कैसे डेवलप हुई है। बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, सबको पता है कि दुबई में बहुत ही एक्सपेंसिव है सब कुछ। और हमारा ऑन पैसिव कंपनी की जो ऑफिस है वो दुबई की बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है उसमें 151 और 134 वाले जो फ्लोर है उसमें हमारा ऑफिस है 10 साल के लिए। तो जो भी है, हम बहुत सारे नेगेटिव भाइयों की कमेंट्स देखते रहते, वो कुछ उल्टे सुलटे कुछ देते हैं कमेंट्स। जो भी है, मैं एक बात उनके लिए कहूँगा कि देखो, जितने भी बिजनेस है सारे बिजनेस को आप उठा के उसका हिस्ट्री देख लो। जब वो बिजनेस जो अभी स्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, अभी अच्छा अच्छा चल रहे हैं, उनकी शुरुआती तौर पे कैसे वो बने थे, आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो। क्या हमारे ऑन पैसिव जो शुरुआत अभी लॉन्च नहीं हुई, इतनी ज़ोर शोर से इतनी एडवर्टाइज इतनी कैंपिंग हो रहे, और दुबई जैसे जगह में, दुबई जैसे कंट्री में शुरुआत हो रही है ऑफिस की, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम फाउंडर 12 लाख से ज़्यादा है, 12.5 लाख, मतलब 12,50,000 समथिंग फाउंडर से। तो एक बात नोट करो आप, कौन सी ऐसी कंपनी है, आप एक कंपनी का नाम बता दो जिन कंपनी की लॉन्च होने से पहले 12 लाख से ज़्यादा फाउंडर है। नहीं है, आप बता नहीं पाओगे। अच्छा, आप बोलते हो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, बोनस नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। आपको क्या क्या लग रहा है, कंपनी इतनी बड़ी तादाद पे खर्चा कर रही है, इतनी एडवर्टाइज कैंपेनिंग हो रही है, दुबई जैसे सिटी में हमारी ऑफिस है, हमारी हैदराबाद ऑफिस के सिटी में, जो हाईटेक सिटी में जो ऑफिस है हमारे, उन ऑफिस में इतने लोगों को बुलाया जा रहा है, उनको सेलिब्रिटी कर रहे हैं, और साथ में हमारे स्टाफ्स को फ़ोन गिफ्ट किया जा रहा है, महंगे महंगे फ़ोन है जो बहुत एक्सपेंसिव है। आईफोन आज की दुनिया में आईफोन 13 जो सबसे टॉप, हमारा प्रोग्राम भी हुआ है बिल्कुल टॉप। तो ये क्या छोटी मोटी बात लग रही है आपको? बहुत लोगों को ये स्कैम नज़र आ रही है। अगर स्कैम नज़र आ रही है तो शायद आपको कुछ भी नहीं पता, शायद आप दुनिया से अलग मुंह मोड़ रहे हो, क्योंकि आप जो सच्चाई है उसको आप देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप सारी दुनिया में कितने कंट्री में कितने फाउंडर से, आप एक बार ध्यान करो इसको, एक बार समझो कि इतने जाने माने आदमी, जाने माने पर्सन, सब स्टैब्लिश्ड पर्सन यहाँ पे फाउंडर्स बने हैं, और एक भी फाउंडर्स आप मुझे दिखाओ जो इस बिज़नेस से खुश नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। हम 12.5 लाख फाउंडर्स बहुत खुश है, क्योंकि हम दिल से इसको मान रहे हैं कि ऑन पैसिव अच्छी कंपनी है। इम्यूनिटी की तरफ से ये बहुत ज़्यादा, ओबिलिस की आप बात सुन लो, देख लो ओबिलिस हैदराबाद में कितने काम कर रहे, कोई आप इतने काम करते हुए एक कंपनी को देखोगे और कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई, तो आप क्या क्या समझ रहे हो इस चीज़ से? जो पॉजिटिव है ना लोग, वो बहुत अच्छी अच्छी वाइब्रेशन उनके अंदर जा रहे, और वो बहुत कुछ समझ रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि वो विश्वास कर रहे हैं कि हमारी ऑन पैसिव कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, और उनको विश्वास है, चलो पता नहीं है बट विश्वास है, यही तो है। अभी एक किसी का कोई भरोसा थोड़ी है, आप बोल रहे हो आज का पता है, कल का आपका पता नहीं है, मेरा कोई पता नहीं है कल क्या हो जाए मेरे साथ, लेकिन विश्वास के ऊपर दुनिया टिकी हुई है। जो भी कुछ हो रहा है, अगर वो आपके तालमेल के साथ ठीक मैच हो रहा है तो वो विश्वास करने लायक है। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, हम फाउंडर्स जैसे भी है शायद बहुत ज़्यादा खुश है। और अगर आपकी किस्मत में नहीं है, मैं उन नेगेटिव लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए, आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही भगवान से दुआ करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि आप लोग ठीक से समझ जाए और ऑन पैसिव में एंटर हो जाइए। अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी भी फाउंडरशिप क्लोज़ नहीं हुआ। बहुत लोग फाउंडरशिप क्लोज से बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं, ये क्लोज़ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये सब बातें छोड़ो। हम 97 डॉलर दे के अगर फाउंडरशिप लिया तो 97 डॉलर, यानी कि इंडिया में हमारे ये 9,000 के आसपास कुछ रुपीस होते हैं, 8,900 कुछ ऐसा कुछ होता है, तो
आप एक बात समझो, 9,000 रुपये एवरेज में मान लो, ऐसा कौन सा बिजनेस आप कर लोगे? आप कोई भी छोटी मोटी बिजनेस भी करने जाओगे, सक्सेस हो भी सकते हो, नहीं हो सकते हो। मान लीजिए अगर आप सक्सेस नहीं हुआ तो क्या करोगे? जिंदगी छोड़ दोगे, जीना छोड़ दोगे? ऐसा नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं होता ना। तो मैं भी बहुत सारा, मेरे बिजनेस में बहुत सारे पैसे, 9,000 क्यों, 9,000 से बहुत सारे पैसे, 40-50 हज़ार रुपये, इससे भी ज़्यादा लोगों को मैंने दिया है, तो उसमें नहीं आया वापस, तो उससे क्या, उससे मेरा सारा काम रुक तो नहीं गए हैं, उसको मैं रिकवरी कर रहा हूँ, रिकवरी हो जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका बिजनेस हमेशा ग्रोथ में रहेगा, ये ऊपर नीचे होता रहता है, यही तो। 100 में से 100 लोग थोड़ी कामयाब होते हैं, 100 में से 100 लोग नहीं होते कामयाब, बिजनेस ऐसा ही होता है। तो ये रही ऑन पैसिव की बात, तो कुछ और है। ऑन पैसिव जितना फाउंडर है, सिर्फ हम एंटर होते ही वी आर इन इट टू विन इट, हमारा स्लोगन देखा, वी आर इन इट टू विन इट, ये बहुत बड़ी, इसमें 100 में से 100 बंदा जो एंटर हो गए, जिसको फाउंडरशिप मिल गया वो जीत गया, यही बोला जाता है। उनके दिमाग लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फाउंडर्स को किसी भी तरह की कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एस सर ने जो अभी लास्ट द टॉप में किया, आप टॉप इवेंट की आप एक झलक देख लीजिए कि टॉप इवेंट कहाँ हो रही है, दुबई की जैसे सिटी में हो रही है, बुर्ज खलीफा में अगर एडवर्टाइजमेंट चल रही है, तो आपको पता है बुर्ज खलीफा में कोई छोटी मोटी कंपनी 1 घंटे के लिए भी हायर नहीं कर सकता, ठीक है। और हमारे जो ऑन पैसिव की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, आप देखो दुबई में हर सिटी में, हर गली में, हर जगह में, मॉल पे बोलो, एक्वेरियम पे बोलो, और भी कहीं ज़्यादा सड़कों पे, बड़े बड़े जो बैनर है, सारी जगह पे जो ऐड हो रही है, ये क्या फ्री में हो रही है या कम खर्चे में हो रही है? आपको लग रहा है कि दुबई जैसे पूरी सिटी में, सारे शहरों में, हर हर जगह में, सब जगह में जो बैनर लग रहा है, वो छोटे मोटे खर्चों में आप अंदाज़ा लगा सकते हो? अगर हमने बुर्ज खलीफा की ऑफिस, उस फ्लोर को, 150 वाली फ्लोर को, 134 वाली फ्लोर को अगर 10 साल के लिए अगर हायर किया होगा, अगर लीज भी लिया होगा, तो आप क्या लग रहा है आपको छोटी मोटी रकम है? ये ऑन पैसिव कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई, और आपको लग रहा है कि लॉन्च होने से पहले अगर कंपनी इतना खर्च कर रही है, तो आप सोचो, एस सर एक बार सोच के देखो, एस सर ने क्या हमारी फ्यूचर के लिए कितना सोचा होगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। क्योंकि आप जो नेगेटिव लोग हैं, वो आप लोगों ने शायद खुद भी कुछ नहीं किया होगा। तो मैं अपने फैमिली के साथ, मेरे बच्चे को, बीच में मेरे बच्चे आ गए थे, तो मेरे बच्चे ऐसा है कि मेरे गोदी में रह जाती थोड़ी सी, तो मैं आपको वो बात कहने जा रहा हूँ कि देखो, इतनी बड़ी सिटी में अगर एडवर्टाइजमेंट चल रही है, तो आप सोचो कि एस सर ने हमारे लिए क्या कुछ सोच रखा होगा। मेरी वीडियो सिर्फ नेगेटिव लोगों के लिए, और जो पॉजिटिव है, मेरे भाई है, मेरे साथी है, हम फाउंडर से, वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते होंगे, या तो आप जब मार्केट में बोलते हो तब आपको नेगेटिव बातें सुना देते, तो आप ये बातें भी सुन सकते हो, तो ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ी सी कुछ चीज़ें बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कमेंट्स या तो आप ठीक करो या तो करो मत, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी आपकी कमेंट्स को मैं इग्नोर करके चलूँगा, ऐसा ही होता है ना। तो वीडियो बनाने की मेरा मकसद ये नहीं कि आप लोगों को बुरा भला कहूँ, आप लोगों को मैं, आप लोगों को नेगेटिव लोगों के लिए भी अच्छा सोच रहा हूँ, क्योंकि आप भी टाइम है, अभी भी टाइम है, जो लोग ऐसा सोच रहे भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप वेट करो, आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी आप वेट ही कर सकते हैं। दूसरे को, किसी को आप उल्टा सीधा या कोई कमेंट्स वगैरह ना करो तो अच्छा है, करने से क्या फ़ायदा, आपको फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। हम वीडियो बना रहे हैं बेशक, हम फिर भी उसको इग्नोर करके चले जाएंगे, हमारा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फाउंडरशिप ले लिया है, आपके कहने से हमने उसको छोड़ा नहीं या रिफ़ंड नहीं लिया, हमने फाउंडरशिप को विश्वास करके, मजबूती से उसको मान के चले हैं कि हमारी फ्यूचर ग्रेट है, और वाकई ग्रेट होने वाले हैं, जब हमारे को पेमेंट मिलेगी, जब हमारे को बोनस मिलेगी, जब हमारी इनकम आना शुरू होगी, जब हमारी फ्रीडम मिलेगी, जब हम होमलेस में अच्छा काम करेंगे, जब ऑन पैसिव की बहुत ग्रोथ हो जाएगी, तब शायद ये जो नेगेटिव लोग हैं, उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ भगवान उनको कुछ ना बोले, बस एक ही उनको सदगति दे कि आप टाइम से अभी भी आ जाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको आना पड़ेगा। एस सर ने कुछ ऐसा ही सोचा होगा, आज आप नहीं आ रहे हो, लेकिन कल आपको
पक्का आना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव अगर इतनी बड़ी लॉन्च होने से पहले इतना कुछ कर सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग बच रहे हैं अभी भी, इनको नहीं आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, डेफिनेटली मुझे ये उम्मीद है कि सबको आना पड़ेगा। और यहाँ पे इनकम की बात तो हम तो सोच रहे हैं कि इनकम तो आएगी आएगी, सभी को आएगी, सिर्फ थोड़ी सी सबर करने की ज़रूरत है, थोड़ा वेट कीजिए, सबको इनकम आएगी। तो मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है शायद, मैं आपको पता नहीं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा तो सॉरी, माफ़ कर देना, और अगर सही बोला हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब मुझे बहुत सारे लाइक और सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को जब देखेंगे, व्यूज़ देखेंगे मुझे, तो मैं इस बारे में भी और आपको अच्छी अच्छी बातें बता पाऊँगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।